नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा हाफ ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि हाफ ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है और हाफ ट्रेंड इंडिकेटर को क्यों बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या है इसकी खास बात और किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं आप हाफ ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करके एल्गो क्रैब प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑटोमेट करना है और किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, ये भी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप परफेक्टली हाफ ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी व्यूअर्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक्स, कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए, रोज आपके लिए वीडियो लेकर आने के लिए। तो चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है एल्गो क्रैब प्लेटफॉर्म। एल्गो क्रैब एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें 20 से ज्यादा अलग अलग ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप लिंक करके अपना अकाउंट रख सकते हैं और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग को कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको अपना अकाउंट खोलना होता है। अकाउंट खोलने के लिए आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना होता है और वहां से अपने अकाउंट पे डिटेल भरनी होती है। जैसे ही आप सारी डिटेल्स प्रॉपरली भरते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है एल्गो क्रैब के थ्रू। ठीक है, 6 दिन आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा। तो साइन अप करने के बाद आपको साइन इन करना होता है। मेरे पास एक अकाउंट है ऑलरेडी, तो मैं अपना अकाउंट को साइन इन करता हूं। जैसे ही आप अकाउंट साइन इन करेंगे तो इस तरीके का आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाई देगा जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। तो डैशबोर्ड में आपको कुछ स्ट्रेटजीज दिखेंगी, हमारी प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज। अगर आप उनके थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उनके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। उसका प्रोसेस जो है वो मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। यहां पर आपको सबसे पहले जाना होता है ऑथेंटिकेशन में। ऑथेंटिकेशन में दिए हुए हैं अलग अलग ब्रोकर्स, जिसमें कि 5paisa, एलिस ब्लू, एंजल, बसंत चॉइस, एनरिच, फिनडॉक, फिनवेशिया, फायर्स, इंदिरा सिक्योरिटीज, कोटक, मास्टर ट्रस्ट, पेटीएम, SAS ऑनलाइन, SMC, सैमको, ट्रेड स्मार्ट, ट्रस्टलाइन, जीबू, जीरोधा, ये अलग अलग ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक ब्रोकर का ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से सबका ऑथेंटिकेशन किया जाता है। जानकारी के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको प्रोसीजर बता देंगे कि किस तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन करना है। बेसिकली ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एज पर द सेबी गाइडलाइंस आपको अपने अकाउंट को खुद से ऑथेंटिकेट करना होता है। और ब्रोकर के पास जब आप ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो हमें एक टोकन प्रोवाइड करते हैं, जिस टोकन की मदद से हम आपके बिहाफ पर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर पाते हैं, यानी कि जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं उन सिग्नल्स को ऑटोमेट कर पाते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है और ये डेली बेसिस पे आपको करना पड़ता है। एक दिन में आपको एक बार सुबह 8 से 9 के बीच ऑथेंटिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो उस दिन आपका ट्रेड होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थी जानकारी कि ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करना है। अब आपको आगे क्या करना होगा, आगे आपको इंस्टॉल करना होगा चार्टिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको हाफ ट्रेंड के इंडिकेटर को चालू करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, MetaTrader 4 इंस्टॉल करना होगा। वहां आप अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड्स के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर MT4 सबसे पहला है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको फाइल में जाके लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में जाना होता है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालनी होती है। ये तीनों डिटेल आपको हमारे सपोर्ट नंबर से मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको सपोर्ट नंबर मिल जाएगा और आपको आप उन वहां पर कॉल कर सकते हैं। और नीचे भी आपको जो नंबर दिख रहे हैं आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कुछ छोटी सी सेटिंग्स करनी होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले टूल्स पे जाना है और उसके बाद ऑप्शंस पे जाना है।
ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइजर में जाना है और ये अलाउड ईएलएल, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अलाउड है, ये वाले अलाउड ईएलएल पे आपको टिक लगाना है। अभी जब आप डिफॉल्ट जाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखेंगे। इसमें आपको ए ऊपर वाला जो अलाउड ईएलएल इंपोर्ट है इसको टिक लगा देना और इसको ओके कर देना। ओके करने से क्या होगा कि ये अब रिक्वेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म को सेंड करने के लिए कैपेबल हो गया है। अब हमें वापस से एल्गोक्रैब के प्लेटफॉर्म पे जाना है क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है इंडिकेटर। उसके लिए हमें यहाँ ब्रिज टूल पे जाना है और मार्केट प्लेस में जाना है। जैसे आप मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हाफ ट्रेंड आपको दिख रहा है, गेट ट्रायल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट ट्रायल का क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो एक फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसको अब हमें उठाकर कॉपी कर लेना है और प्लेटफॉर्म पर जाके डालना है। ठीक है, ये इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे गए। अब यहाँ पे ओपन डेटा फोल्डर पे जाना है फाइल में जाने के बाद, और आपको जाना है उसके बाद यहाँ पर MQL4 में, उसके बाद इंडिकेटर्स में। यहाँ पर आप चाहें तो नया फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए नया फोल्डर बनाना है आपको तो नया फोल्डर बना के उसको नाम दे दीजिए, एल्गोक्रैब लिख दीजिए या कुछ भी जो आपका मन करे लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर उसे पेस्ट कर दीजिए। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ये इसमें लग गया। अब हमें क्या करना होगा, अब ये हमें यहाँ दिखेगा इंडिकेटर्स के फील्ड में। ठीक है, अभी ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एल्गोक्रैब दिखने लगा। अब इसमें हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें एक इनपुट का सेक्शन आता है जहां पर इंडिकेटर्स की प्रॉपर्टी लिखी होती है। ठीक है, यहां सबसे पहले ऊपर जो लिखा है ईमेल और पासवर्ड, इसमें हमें एल्गोक्रैब का डिटेल डालना है, जो भी हमारा एल्गोक्रैब का लॉगिन है। उसके बाद ये इसकी प्रॉपर्टी है हाफ ट्रेंड की, और यहाँ पर अलग अलग उसके बारे में सेटिंग्स लिखे, जिसके हाई पे चलाना है, लो पे चलाना है, क्या चलाना है, ये यहाँ पर सेशन जो सीरीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इसी की हैं, क्या नाम है, हाफ ट्रेंड के इंडिकेटर की हैं। तो यहाँ पर ये हाफ ट्रेंड की सेटिंग्स लिखी हुई हैं, आप हाफ ट्रेंड की सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पे ये जो मेन इनपुट्स हैं हमारे, ठीक है, इंट्राडे, अगर आपको ट्रेड को इंट्राडे करना है तो आप इंट्राडे को ट्रू कर सकते हो और इंट्राडे का टाइम डालोगे। अब यहाँ पे टाइम में मैं आपको बताऊं कि आधा घंटा फास्ट चलता है MT4 का टाइम, डेटा बिल्कुल रियल टाइम है लेकिन टाइम थोड़ा सा फास्ट चलता है, यानी कि जब 9:15 बजते हैं तो MT4 का जो डेटा है, चार्ट है, इसमें 8:45 हो रही होती है। तो उस हिसाब से आधे घंटे का वेरिएशन रख के आपको अपना टाइम डालना है। ठीक है, कितने बजे से कितने बजे तक आपको ट्रेड करना है उसका, और जो भी आपकी ट्रेड रहेगी वो इंट्राडे ऑटोमेटिकली MIA स्क्वायर ऑफ हो जाएगी 3:13 पे। आप देखिए ट्रेड मेथड में मेट्रो लिखा है, मेट्रो का मतलब जैसे चल रहा है एज इट इज चलना, चलने देना है, बाय के सिग्नल पे बाय, सेल के सिग्नल पे सेल। लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है इसमें, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ बाय का ही ट्रेड हो दोनों साइड, यानी कि सेल का ट्रेड ही ना हो, जैसे सेल का सिग्नल आया आपकी पोजीशन निकल जाए, फिर जब बाय का सिग्नल आया दोबारा से बाय हो जाए। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो सोचते हैं कि मार्केट आज एक ही ट्रेंड में जाएगी, आज बाइंग में ही जाएगी, तो वो क्या करते हैं सिर्फ ओनली बाय का सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी बाय बनता है तो ट्रेड ले लेता है, जब भी सेल बनता है तो ट्रेड एग्जिट कर देता है। तो अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप ओनली बाय कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ सेल ही सेल की ट्रेड लेनी है और बाय पे एग्जिट करना है तो आप ओनली सेल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, आप इसको फॉल्स या ट्रू कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस के भी तीन अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल, ट्रेलिंग और ब्रेक इवन। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं, जो ब्रेक इवन स्टॉप लॉस होता है वो काम करता है हाई के बाद, यानी कि जैसे ही कोई आपका सिग्नल बना उसके बाद जैसे ही नया हाई बनेगा तो हाई माइनस स्टॉप लॉस वैल्यू आपका स्टॉप लॉस रहता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ऐसा होता है कि आप ट्रेलिंग के लिए एक स्टेप डाल देते हैं कि कितने स्टेप बाद आपको ट्रेल हो, जैसे कि यहां पर आपने मान लीजिए स्टॉप लॉस रखा 20 का और ट्रेलिंग स्टेप रखे 30 के। यहाँ पे एक चीज बहुत याद रखने वाली है, वो ये है कि जब आप ट्रेलिंग स्टेप्स लिखोगे तो स्टेप्स जो है वो हमेशा ज्यादा होने चाहिए आपके स्टॉप लॉस की वैल्यू से। ठीक है, अगर आपने स्टेप्स कम लग दिए तो जैसे ही फर्स्ट टाइम ट्रेल होगा आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा इमीडिएटली, बिकॉज वो स्टेप्स बहुत ऊपर जा चुके होंगे। मैं आपको एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में और बताऊंगा कि ये दोनों स्टॉप लॉसेस में आप किस तरीके से गड़बड़ करते हैं, वो नहीं करनी। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है वो यही कि अगर आप ट्रेलिंग स्टेप्स यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा स्टेप्स इन पॉइंट्स की वैल्यू को ज्यादा रखना है, स्टॉप लॉस की वैल्यू को कम रखना है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका टारगेट का ऑप्शन।
ठीक है। टारगेट के ऑप्शन में आप इसको ट्रू कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट का, जैसे यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अलर्ट, आपको अलर्ट चाहिए नहीं चाहिए, साउंड अलर्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेड आता है तो अगर आपको अलर्ट चाहिए तो आप अलर्ट को ट्रू करेंगे। ट्रू करेंगे तो जैसे ही आप मान लीजिए अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं और उस वक्त पे ट्रेड आया तो आपको अलर्ट आएगा, तो आपको दिख जाएगा ट्रेड आ गया, आप देख सकते हो फिर चार्ट में आके, ठीक है। उसके अलावा है री एंट्री। री एंट्री होता है सेम डायरेक्शन में दोबारा एंटर करना, यानी कि मान लीजिए आपने ओनली बाय लगाया है तो ओनली बाय में एक बाय चल रहा है आपका, उसके बाद जैसे सेल के क्लोज हो गया उसके बाद नया बाय आएगा तो उसको लेगा नहीं क्योंकि आपने री एंट्री ऑन नहीं किया। अगर आप री एंट्री ऑन करेंगे तो वो ओनली बाय वाले फंक्शन, ओनली सेल वाले फंक्शन भी काम करेंगे। उसके बाद ये है एपीआई ट्रेडिंग ऑन ऑफ। अगर आपको ट्रेडिंग ऑन करना है, मतलब लाइव ट्रेडिंग करना है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ट्रू करेंगे, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन ये सारी चीजें फिल भी करके बताता हूं। अब यहां पे देखिए मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रू किया है, 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस रखा है मैंने और 30 पॉइंट, तो इसको मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया सिर्फ, और 30 पॉइंट पे ट्रेल करना है, यानी 30 पॉइंट ऊपर जाने के बाद स्टॉप लॉस 20 पॉइंट ट्रेल होगा। अब यहाँ पे ट्रू करना है, और ट्रू करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर की और इंस्ट्रूमेंट की डालनी है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ये आपको कहां से मिलेगा, आपको MT4 ब्रिज में जाना है, यहाँ पे एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे जाना है MT4 ब्रिज में, यहाँ पे एक सिंबल क्रिएट करना है, जैसे निफ्टी मैंने लगा रखा है तो आपको निफ्टी सिलेक्ट करना है, निफ्टी सेप्टेम्बर फ्यूचर ये आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक किया आपने, सेव चेंजेस पे क्लिक किया आपने, अब ये आ गया कार्ड बन के। इस कार्ड में आपको निफ्टी सेप्टेम्बर NFO लिख रहा है और यहाँ पे एक यूजर की और एक इंस्ट्रूमेंट की आ रहा है। इसको आपको पहले इंस्ट्रूमेंट की को कॉपी करना है और इंस्ट्रूमेंट की को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे फिर अब यूज इंस्ट्रूमेंट की और यूजर की दोनों को कॉपी और पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये दोनों मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए। यहाँ पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको MIS रखना है, अदरवाइज आप नॉर्मल रख सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी में आपको निफ्टी की जो क्वांटिटी है वो डालनी है, जैसे 50 क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डालनी है। यहाँ पे आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा हो ना कि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और ये आपको एक ही बार करना है, अगर आपने इसको ओके कर दिया, अब मान लीजिए मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो ये ओके करने के बाद यहाँ पे चार्ट लग गया, ठीक है। ये बता रहा है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, 719 पॉइंट का है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दिखा रहा है 710 ट्रेड में 719 पॉइंट का प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको मिनिमाइज करोगे, या मान लो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने MT4 क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये स्टार्टेड नहीं है तो इसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, बट यहाँ पर मैं इसको आपको बताता हूँ कि मैंने इसको बंद किया, अब मैं इसको चालू करता हूँ। जब मैं इसको चालू करूंगा ना तो जितने भी सेटिंग्स मैंने किए हैं ना वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने ओपन किया, एज इट इज इंडिकेटर ओपन हुआ है और सारे के सारे इनपुट्स जो मैंने सेट किए थे वो एज इट इज ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो अगले दिन जब आप आके अपना कंप्यूटर चलाएंगे और ओपन करेंगे तो आपको कुछ बदलने की, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पर आपका ये जो एल्गो क्रैब में मैंने दिखाया आपको, इसको स्टार्ट करना है बस खाली। अब ये स्टार्ट हो गया तो अब ये लिंक हो गया है इसके साथ, जैसे ही कोई भी सिग्नल आएगा ना इसमें हाफ ट्रेंड में तो आपका ट्रेड हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर और भी आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी मैंने ये जो यहाँ पे टाइम यूज किया है वो 1 आवर का टाइम यूज किया है। 1 आवर का टाइम आपको यूज नहीं करना है। आप अगर आप निफ्टी करते हो तो आप 15 मिनट से 5 मिनट के बीच का टाइम फ्रेम रख सकते हो, उसमें आपको जो है ना सिग्नल्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जो चार्ट मैंने खोल रखा है ये SGX का है, SGX निफ्टी का, ठीक है। अब क्या है कि निफ्टी में स्टॉप लॉस टारगेट की आपको सेटिंग भी करनी पड़ेगी प्रॉपरली। अभी तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बस खाली दिखा रहा था कि किस तरीके से चीजें करनी है, किस तरीके से क्या करना है। अब देखो ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, इसमें मैंने आपको ये लगा के दिखाया, ये दिखा रहा है 4929 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब इस तरीके से ये काम करता है, तो जैसे ही कोई नया सिग्नल बनेगा ना स्ट्रेटजी में, आपका ट्रेड हो जाएगा अपने आप ही। आप इसे 5 मिनट्स में यूज कर सकते हैं, 15 मिनट्स में यूज कर सकते हैं। 5 मिनट में यूज करेंगे तो सिग्नल थोड़े ज्यादा आएंगे, 15 मिनट्स में यूज करेंगे तो सिग्नल थोड़े कम आएंगे, उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट कर सकते हो। अब जो भी कोई नया सिग्नल इसमें बनेगा ये अपने आप ही ट्रेड कर देगा। तो ये था किस तरीके से लिंकिंग करनी है, किस तरीके से यूज करना है, जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, अगर आप वो स्टेप्स यूज करेंगे उस तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका ये प्रॉपरली काम करता रहेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट डाल के बताना हमें कि वीडियो कैसा लगा। कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करना। सुबह 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक हम अवेलेबल होते हैं, मंडे टू फ्राइडे।
उस बीच में आप कॉल कर सकते हैं, उस भी उसके बाद या पहले आप कॉल करेंगे तो मे बी आपको सपोर्ट ना मिल पाए, क्योंकि हम लोग उसी वक्त ऑफिस में रहते हैं, उसके बाद ऑफिस में नहीं रहते हैं। तो आप कॉल कीजिएगा हमें और हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। इसकी 6 दिन का इसका फ्री ट्रायल है, आप कभी भी फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप आके AlgoCrab के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।